हेलो गाइज, मैं हूँ रियाज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हेल्पिंग रिजू। तो गाइज, आज का गेम ऑफ द डे ये है कि ये जो आप देख रहे हैं ये खेत है मेरा, और इसको मुझे आज पटाना है पाइप बिछा के, क्योंकि रवि हो गया है और इसमें पानी की ज़रूरत है। पानी तो डालना पड़ेगा, बिना पानी का तो ये होने वाला नहीं है, क्योंकि बारिश वरिश तो हो नहीं रही है। तो आप देख सकते हैं ये, और इधर जितने भी सारे इधर लोग का खेत है इस साइड में, ये इनका सबका पटेगा और मुझे भी अपना पटाना है। तो अभी चलता हूँ मैं जो मशीन है उनके पास, और पाइप वगैरह लेते हैं, बिछाते हैं। देख रहे हैं कि ये है बोरिंग, और यहाँ से मतलब पाइप लेके जाना है खेत में। और इधर आपको मैं पाइप दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए ये है पाइप, और इसको अभी हम बिछाएंगे। बिछा के मतलब कि पूरा खेत में लेके जाएंगे, खेत जहाँ पे है वहाँ पे खेत तक पूरा लमा देंगे, और वहाँ से फिर मशीन को स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद पानी को पटाया जाएगा। तो अब पाइप बिछा लेते हैं, पहले सबसे पहले पहला काम कर लेते हैं, पाइप बिछा लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what... तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी ये मैं अपने खेतों में पाइप वगैरह बिछा दिया हूँ, और ये मेरे हाथ में आप देख लीजिए ये क्या है, इसको बोलते हैं हत्था, इसको हत्था बोलते हैं। और ये जो है, ये जो डंडा है वो बांस का होता है, और ये जो है, ये जो होता है, ये प्लेट जो खाने की प्लेट होती है ना, उसको इसमें मतलब कील ठोक के, कील के सहारे मतलब इसको फंसा दिया गया है, ताकि इसमें से मतलब कि ऐसे पानी को उबिस सके। मतलब जहाँ जहाँ पानी अगर नहीं जाएगा तो इसके सहारे मतलब हम लोग पानी को उस फेंक सकते हैं, पटा सकते हैं। तो इसके लिए ये होता है बेसिकली। तो अभी पाइप वगैरह बिछ गया है, और अब मशीन चालू करेगा मशीन वाला, और उसको जब पानी आ जाएगा खेत में तो उसके बाद फिर पटाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे पानी आ गया है बोरिंग से, अब खेत में पानी आ गया है, और अभी जैसे जैसे पानी आएगा, जहाँ पे पानी नहीं पहुँचेगा उसको फिर हत्था से उबिछेंगे करके जल्दी जल्दी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. The storms we chase are leading us. तो फ्रेंड, अभी खेत का तो पटवनी हो गया है दो दिन बाद, मतलब कि अब उसके बाद थोड़ा सा इसमें खाद वाद दे देंगे तो मतलब कि हरियाली आ जाएगी, मतलब गेहूँ जो है वो बढ़िया से उग जाएगा, जो नहीं उगा है वो भी उग जाएगा। तो ये मैं देख सकते हैं, इधर मैं खाद लेके आया हूँ, 12 केजी खाद है, यूरिया है, और उसको अभी मतलब गेहूँ में छींटेंगे। Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on.
फ्रेंड, अभी मैंने खाद छींट लिया है। जैसा कि जब मैं पटा रहा था तो आपको हो सकता है कि आप सोच रहे होंगे कि यार जब पटा रहा था तो एक ही साइड का इधर का ही सीन आया है, और जब खाद छींट रहे तो पूरे मतलब खेत का सीन आया है। तो बात यह हो गई कि पटाने में मुझे कम से कम 4 घंटे लग गए। कि एक लड़का था वो मोबाइल मेरा पकड़ के रिकॉर्डिंग कर रहा था, मैंने उसको बोला था भाई थोड़ा 10-15 मिनट के लिए रख ले और रिकॉर्ड कर ले, तब तक मैं ये पटा लेता हूँ। तो उसका भी अर्जेंट काम आ गया था तो इसीलिए इतना रिकॉर्ड हुआ। और बाकी खाद छींटने में उतना टाइम नहीं लगता, जैसे 6 कट्ठा खेत है तो 1 कट्ठा में मतलब 2 किलो यूरिया डालते हैं, और मैं 12 किलो यूरिया लेके आया था और पूरे खेत में खाद छींट दिया। और उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा।